hello and welcome to digital classes of biology in the last video we have studied about characteristics of living beings today we will continue our chapter let's start biodiversity in living world if you look around you will see a large variety of living organisms be potted plant insect birds your pets and other animals and plants देयर आर ऑल्सोरिज्म बट दे आर ऑल अराउंड में आज भी बहुत से ऐसे एनिमल्स हैं जिन्हें हम नहीं जान पाए हैं या हम उन्हें सर्च आउट नहीं कर पाए हैं अकॉर्डिंग टू एन एस्टिमेट अबाउट वन पॉइंट सेवन टू वन पॉइंट एट मिलियन स्पीशीज रिपोर्टेड ऑन द अर्थ टूडे इनमें सेवेंटी परसेंट एनिमल से 22 परसेंट प्लांट्स को इंक्लूड किया गया और 8 परसेंट माइक्रो ऑर्गेनिज्म को 1.7 टू 1.8 मिलियन स्पीशीज यहां मैंने स्पेशली स्पीशीज वर्ड का यूज किया है स्पीशीज मीन्स एक टाइप के ऑर्गेनिज्म की एक ही वैरायटी होनी चाहिए फॉर एग्जांपल वीट का लेते हैं हम वीट में हम सिर्फ एक वीट है अगर हम उसकी डिफरेंट टाइप की वराइटीज को देखते हैं तो उसमें लोकवन शरबती सोनाली डब्ल्यू वन फोर्टी सेवन ये सारी उसकी हाई वेराइटीज है तो इन सारी को इंक्लूड ना करके हमने सिर्फ एक को इंक्लूड किया है वीट तो इस टाइप से इतनी सारी स्पीशीज लार्ज क्वांटिटी में अर्थ पर प्रेजेंट है या उन्हें सर्च आउट किया गया है अब ये सारी स्पीशीज शेप साइज एक्सटर्नल स्ट्रक्चर इंटरनल स्ट्रक्चर मार्फोलॉजिकल स्ट्रक्चर कलर में वेरिएशन शो करते हैं इसे ही हम क्या कहेंगे बायोडाइवर्सिटी एक और जहां नेचर में अमीबा पेरामिशियम बैक्टीरिया जैसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म है तो वहीं दूसरी ओर ब्लू वेल एलिफेंट जैसे बड़े एनिमल्स भी प्रेजेंट हैं। इतनी लार्ज क्वांटिटी लिविंग ऑर्गेनिज्म की होने के कारण इट इज नॉट पॉसिबल फॉर ए मैन टू स्टडी ऑल द प्लांट एंड एनिमल ड्यूरिंग हिज सो द वेरिएशन इन प्लांट एंड एनिमल हैव पोस्ड ग्रेट प्रॉब्लम के क्लासिफिकेशन की नीड हुई इसे हम एक एग्जाम्पल से समझते हैं कि आप एक लाइब्रेरी में गए और आपको कोई वहाँ मटेरियल सर्च करना है तो आप और लाइब्रेरी का आ, में बुक्स का जो अरेंजमेंट है वो बिल्कुल भी सिस्टोमेटिक नहीं है तो आप क्या वहाँ पे बुक को या उस मटेरियल को सर्च आउट कर पाएंगे आप नहीं कर पाएंगे या आपको बहुत ज्यादा टाइम लगेगा तो अब आप क्या करेंगे तो आप जाएंगे लाइब्रेरियन के पास आप वहाँ से एड्रेस लेंगे एड्रेस लेने के बाद आप वहाँ उस अलमीरा में जाएंगे वहां से बुक से उस मटेरियल को सर्च करेंगे तो ये इजी गोइंग आपका मटेरियल सर्च हो गया तो इस टाइप से इतनी ज्यादा लार्ज क्वांटिटी में होने के कारण हमें भी इतने सारे एनिमल्स की स्टडी को करने में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट होती है तो उनका क्लासिफिकेशन की नीड हमें होती है या हुई है पुराने जो जितने भी साइंटिस्ट थे उन्होंने क्लासिफिकेशन किया है जिससे हम उनकी प्रॉपर स्टडी कर पाए क्लासिफिकेशन uh, एक परफेक्ट सॉल्यूशन होता है और इसमें क्लासिफिकेशन में हमें एक एड्रेस की रिक्वायरमेंट होती है जैसा कि हमने लाइब्रेरी वाले एग्जांपल में देखा क्लासिफिकेशन uh, करने के क्या आप ऑब्जेक्ट या एम्स हो सकते हैं तो इट हेल्प टू अंडरस्टैंड डाइवर्सिटी इन प्लांट्स एंड एनिमल्स आइडेंटिफाई द ऑर्गेनिज्म एंड ओरिजिन ऑफ द ऑर्गेनिज्म इन सारी चीजों से हम इन ऑर्गेनिज्म के इन सारे मटीरियल कैरेक्टरिस्टिक्स को इजी वे में स्टडी कर पाएंगे इसे इसे हम एक एग्जांपल से और समझते हैं कि अगर सपोज आपके घर में बहुत सारा राशन का सामान आया और उसमें सारा मटेरियल है कंबाइंड है मिक्स है अब उन्हें हमें सेपरेट करना है सेपरेट करना है तो आपने अपने फैमिली मेम्बर से कहा कि आप ये कुकिंग ऑयल को आप बाथरूम में रख के आओ बाथरूम में रख के आओ और आप हेयर जो ऑयल है वहां उसको आप किचन में रख के आओ तो जो फैमिली मेंबर है वो सबसे पहले अपने माइंड में सर्च आउट करेगा कि नहीं ये कुकिंग ऑयल है इसे किचन में होना चाहिए और ये हेयर ऑयल है इसे बाथरूम में होना चाहिए तो सबसे पहले हमने क्या किया माइंड ने उस चीज को सर्च आउट किया या आइडेंटिफाई किया तो क्लासिफिकेशन का फर्स्ट जो पॉइंट है या फर्स्ट जो स्टेप होती है वो आइडेंटिफिकेशन होती है अब आइडेंटिफिकेशन हमने कर लिया अब हम क्या करेंगे उस मटेरियल या उस चीज को हम अपनी प्रॉपर प्लेस पे रखेंगे तो हमने किचन को कुकिंग ऑयल को किचन में रख दिया और हमने हेयर ऑयल को बाथरूम में रख दिया तो हमने उसको प्रॉपर प्लेस पे रख दिया फिर थर्ड स्टेप हमारी आती है हम अब हमने अगर देख लिया कि हमें पता नहीं है कि इसको क्या कहते हैं इसका नेम क्या है तो हम उसका नेम सबसे पहले फाइंड करेंगे कि इसको कहते क्या है किचन का ऑयल है तो फिर हम उसे किचन में रखेंगे और अगर हेयर uh, ऑयल है तो हम उसे हेयर तो सबसे पहले हम उसका नॉमिन करेंगे यही होता है हमारा क्लासिफिकेशन इन सारी स्टेप से मिलके ही हमारी क्लासिफिकेशन की सारी जो स्टेप्स है या सारे जो प्रोसेस है वो कंप्लीट होती है इन सारी स्टेप को ही हम टेक्सोनॉमी कहते हैं टेक्सोनॉमी एक ब्रांच है जिसमें हम क्लासिफिकेशन या इन सारे स्टेप्स को डिटेल में स्टडी करते हैं और पर्टिकुलर लिविंग ऑर्गेनिज्म की हम क्लासिफिकेशन कर सकते हैं फादर ऑफ टेक्सोनॉमी केरोलस लिनियस है अब अगर हम बात करें नॉमेक्लेचर की तो हमारा एक मेन टॉपिक है नॉमेंक्लेचर जिसे हम डिटेल में डिस्कस करेंगे नॉमेनक्लेचर व्हाट इज नॉमेक्लेचर अगर आप वर्ल्ड में देखें तो डिफरेंट डिफरेंट टाइप के ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट हैं और इन्हें अलग अलग कंट्रीज में अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट नाम से पहचाना जाता है ये इनके लोकल नेम होते हैं अब अगर हम एक एग्जाम्पल लेते हैं जैसे चिड़िया स्पैरो उसको नॉर्थ इंडिया में गोरैया कहा जाता है और आंध्र प्रदेश में का, हॉलैंड में मुश, जापान में सुजून और इंग्लैंड में उसे हाउस स्पेरो जाता है अब आप देखिए कि एक ही लिविंग ऑर्गेनिज्म के इतने सारे नेम है इतने सारे नेम को लर्न करना बहुत ही डिफिकल्ट होता है तो अब हमें इतने सारे नेम को इजी वे में स्टडी करने के लिए हम हमें एक प्रॉपर नेम की रिक्वायरमेंट होती है इसे ही हम क्या कहते हैं नॉम

अलग अलग साइंटिस्ट ने अलग अलग थ्योरीज दी है उसमें से जो मेन थ्योरी है हमारी ये जो मेन सिस्टम है हमारा वो एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था केरोलस लीनियस उन्होंने एक नॉमेंक्लेचर का सिस्टम दिया है जिसे हम कहते हैं बाईनोमियल नोमेंक्लेचर सिस्टम इसे हम अब इस सिस्टम में किस टाइप से हम किसी लिविंग बीन्स का नॉमेंक्लेचर करते हैं हमें इसे हम इसे एक एग्जाम्पल से समझते हैं हमने एक एग्जाम्पल लिया है एक फ्रूट्स का मैंगो हम फ्रूट्स का मैंगो का कॉमन नाम है इसका अगर हम इसके साइंटिफिक नेम की बात करें तो साइंटिफिक नेम है हमारा एक पर्टिकुलर मेनजीफेरा इंडिका मेंजीफेरा इंडिका एक परफेक्ट पर्टिकुलर नेम है जिसमें मेनजीफेरा शो करता है उसके जीनस को जेनेटिक मटेरियल को और इंडिका वर्ड शो कर रहा है स्पीशीज को इंडिका वर्ड यहाँ पे इंडिया से भी रिलेटेड है जहां जो चीज सर्च आउट होती है कभी कभी साइंटिफिक नेम में उसका कंट्री का नेम भी इंक्लूड किया जा सकता है तो जीनस एंड स्पीशीज दो वर्ड से हमारे साइंटिफिक नेम बने होते हैं जिसे दो वर्ड से बने होते हैं इस कारण हम इसे बाइनोमियल नोमेनक्लेचर सिस्टम कहते हैं अब कभी-कभी किसी स्पीशीज के नेम के पीछे उसके साइंटिस्ट का नेम भी आता है तो जैसे इसमें एग्जांपल देखते हैं हम कि मैंजीफेरा इंडिका लीन तो यहां लीन मींस लीनियस साइंटिफिक साइंटिस्ट से है जिसमें उसके साइंटिस्ट का नेम भी उसके साथ इंक्लूड किया गया है अब अगर हम बात करें टॉपिक की तो इसकी जो रूल्स हैं बायोनॉमिक नॉमेन क्लेचर सिस्टम के कुछ रूल्स हैं जिससे हम इन नेम को आइडेंटिफाई कर सकते हैं या इसका लिखने का एक पैटर्न होता है तो उसका फर्स्ट रूल है लेटिन लैंग्वेज रूल्स के अकॉर्डिंग इसके जो नेम है या जो इसकी लैंग्वेज है वो हमेशा लैटिन लैंग्वेज होनी चाहिए आपने देखा होगा हमेशा दो ही लैंग्वेज यूज की जाती है या तो लैटिन या ग्रीक वो क्यों यूज की जाती है क्योंकि वो लैंग्वेज कहीं और वर्ल्ड में कॉमन नहीं होती है नेक्स्ट रूल है हमारा फर्स्ट वर्ड मीनस जीनस फर्स्ट लेटर शुड बी कैपिटल एंड रिमेनिंग लेटर शुड बी स्मॉल लेटर अगर आप ऊपर साइंटिफिक नेम में देखेंगे तो मैंजी फेरा फर्स्ट लेटर है जीनस को रिप्रेजेंट कर रहा है तो इसमें फर्स्ट जो वर्ड है हमारा लेटर है जो हमारा वो कैपिटल होना चाहिए हमेशा और बाकी के सारे जो लेटर्स हैं वो सारे स्मॉल लेटर होने चाहिए थर्ड रूल है हमारा स्पीशीज नेम ऑल लेटर शुड बी स्मॉल लेटर स्पीशीज के जितने भी लेटर हैं वो सारे स्मॉल लेटर होना चाहिए थर्ड नेक्स्ट रूल है हमारा प्रिंटेड शुड बी इटेलियन फ़ॉन्ट ये हमेशा इटेलियन फ़ॉन्ट में प्रिंट होते हैं अगर मान लो कहीं पब्लिश करना होती किसी बुक में किसी बॉटनिकल नेम को प्रिंट करना होता है तो वो इटेलियन फॉन्ट में होता है इटेलियन फ़ॉन्ट मीन्स थोड़े से इस टाइप के जो वर्ड होते हैं थोड़े से तिरछे लिखे जाते हैं तो इसे हम इटेलियन फॉन्ट कहते हैं नेक्स्ट रूल है हमारा फिक नेम शुड बी यूनिक एंड ईजी साइंटिफिक नेम हमेशा ईजी और यूनिक होने चाहिए ताकि ईजी वे में उसका प्रोनाउंसेशन हो पाए और नेक्स्ट रूल है हमारा हैंडराइटिंग रिटर्न स्पेसिफिक नेम शुड बी अंडरलाइन अगर हम कॉपी में या कहीं लिख रहे हैं अपनी हैंडराइटिंग से साइंटिफिक नेम तो वो उसके दोनों जीनस uh, की के वर्ड के नीचे अलग से अंडरलाइन होनी चाहिए और स्पीशीज के वर्ड के नीचे अलग से अंडर दोनों वर्डों पे अलग अलग अंडरलाइन होनी चाहिए तो ये हमारे कुछ रूल्स है जिसके अकॉर्डिंग हम किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म के साइंटिफिक नेम को रिप्रेजेंट कर सकते हैं टूडे वी हैव स्टडी अबाउट बायोडाइवर्सिटी एंड नॉमिनक्चर वी विल कंटिन्यू दिस टॉपिक इन आवर नेक्स्ट वीडियो इफ यू हैव एनी क्वेश्चन राइट बिलो इन द कमेंट सेक्शन थैंक यू